एक्शन, ड्रामा, रोमांस और थ्रिल के बाद अब बॉलीवुड पौराणिक कहानियों का रुख कर रहा है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महाभारत पर फिल्म बनने जा रही है। अमेरिका में चल रहे दीप तेज एक्सपो में इस पर फिल्म बनाने को लेकर ऐलान भी किया गया था। कौरवों और पांडवों की कहानी पर आधारित महाभारत को पहली बार बीआर चोपड़ा छोटे पर्दे पर लेकर आए थे। अब डायरेक्टर फिरोज नाडियाडवाला इस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार नजर आने वाले हैं। साथ ही इसका बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिरोज नाडियाडवाला ने हेरा फेरी और वेलकम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोज ने इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर पिछले 4 से 5 साल से काम चल रहा है। हालांकि अभी फिल्म के प्री प्रोडक्शन में कुछ साल और लगेंगे और महाभारत करीब 2025 में बनकर तैयार होगी। ये फिल्म वैसे तो हिंदी में बनेगी, लेकिन इसे अन्य भाषाओं में भी डब किया जाएगा। फिरोज नाडियाडवाला का कहना है कि उनकी फिल्म महाभारत हॉलीवुड की द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर को कड़ी टक्कर देती नजर आएगी। 3 घंटे लंबी इस फिल्म का बजट करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़े बजट वाली फिल्म होगी। अब बात करते हैं महाभारत के स्टारकास्ट की। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इसमें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर समेत अन्य को कास्ट किया जाएगा। हालांकि इसमें किसका क्या किरदार होगा अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस फिल्म में साउथ के टॉप अभिनेता भी रोल निभाते नजर आ सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए।